कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भजे क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमने महारानी की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के 8वें अध्याय की और 8वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। अधिक मास में जो भी हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं या फिर हम कथा का श्रवण करते हैं, वह अनंत गुना फलदायी हमको देती है, क्योंकि अधिक मास में जो है दान पुण्य करना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। अधिक मास में देवी देवताओं का पूजन करना भी करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। कई भक्तजनों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि घर में देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास है और यह साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप माना गया है। भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप पुरुषोत्तम मास में देवी देवताओं का पूजन हमको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि हम देवी देवताओं का पूजन नहीं करेंगे तो वो जो है कष्टमय स्थिति में रहेंगे। इसलिए इस दौरान हमको पूजन अर्चन करना चाहिए और विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। तो घर के देवी देवताओं का अनिवार्य रूप से सभी को पूजन अर्चन करना चाहिए। अब हम आपको अधिक मास के 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे तपोधने, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का संवाद सुन करके नारद जी अत्यधिक प्रसन्न हुए और फिर नारायण से प्रश्न करते हुए बोले कि हे प्रभो, रुक्मणी नाथ विष्णु जब वैकुंठ को चले गए तब क्या हुआ, सो मुझसे कृपा करके आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु का सभी आख्यान सब प्राणियों का हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर के श्री बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले कि हे नारद जी, रुक्मणी नाथ विष्णु ने वैकुंठ में जाकर के अधिमास को अपने पास ही स्थान दे दिया। वहां निवास पाकर के अधिमास महा आनंद को प्राप्त हुआ और सब मासों का अधिपति होकर के भगवान विष्णु के साथ में क्रीड़ा करने लगा। उधर भगवान श्री हरि विष्णु 12 महीनों में मल मास को सर्वश्रेष्ठ बना करके मन ही मन बहुत प्रसन्न होकर के चिंता मुक्त हो गए। हे मुनि नारद जी, उसकी पश्चात भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी पर कृपा दृष्टि करते हुए अर्जुन से बोले कि हे राज सिंह, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आकर के पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास तुम्हारे वन में रहने के समय अनजाने में चला गया है। भीष्म द्रोण और कर्ण के भय के कारण तुम लोगों को आने वाले तीसरे वर्ष के पुरुषोत्तम मास का ज्ञान नहीं रहा है। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में लगे भयंकर युद्धशाली अर्जुन के इंद्र कील पर्वत पर चले जाने से दुख से तुम दुखित हो रहे हो। अब आप पूछो कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा भाग्य का सहारा ले, क्योंकि भाग्य का लिखा अवश्य ही भोगना पड़ता है।
जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। हे मनुष्य, प्रारब्ध से सुख और दुख भय आनंद को प्राप्त होता है। सब आप अदृष्ट भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे भाग्य में विधाता ने जो भी लिख दिया है वह अक्षरशः सत्य होगा। और इसी कारण हे महाराज, अब आपके दुख भोगने का दूसरा कारण और कहता हूं। यह बड़ा विलक्षण इतिहास है, सुनो। यह पांचाली द्रौपदी महाभाग्यशाली पूर्व जन्म में श्रेष्ठ मेधावी ऋषि की पुत्री थी। हे राजन, कुछ काल व्यतीत होने पर अत्यंत लावण्य युक्त और मनोहर नेत्रों वाली यह द्रौपदी उस समय 10 साल की थी और पिता के एक ही पुत्री थी, जो सर्वगुण संपन्न और बड़ी चतुर थी और इसमें कई प्रकार के अद्भुत गुण विराजित थे तथा यह अपने पिता को सबसे अधिक प्यारी और लाडली थी। यह पुत्र के समान ही उनके घर में निवास करती थी। इसने पिता का कभी भी तिरस्कार नहीं किया था। यह साहित्य शास्त्र और नीति शास्त्र में बहुत ही निपुण थी। इसकी माता के इसके बालकपन में ही मृत्यु हो जाने पर इसे पिता ने ही पालन पोषण किया था। एक दिन यह पड़ोसन सखियों का सुख देख करके स्वयं भी पुत्र पोत्र की इच्छा करने लगी और इसी चिंता में रहने लगी कि मुझे भी सद्गुण संपन्न सौभाग्यशाली पति और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह प्राप्त होंगे। मैं अब ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे ज्ञान हो कि किस देवता को पूजूं, किस मुनि के पास जाऊं या किस तीर्थ में जाकर के निवास करूं। यही सोचती रहती थी, मेरा भाग्य कैसा हो गया है, कोई भी पुरुष मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मेरे पिता इतने योग्य विद्वान पंडित है, परंतु मेरे भाग्य से उनकी भी मति मारी गई, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने मेरे योग्य वर को अभी तक नहीं ढूंढा है। मैं कुमारी होने पर पति सुख से वंचित हूं। मेरी जैसी सखियां सभी प्रकार के गृहस्थ सुख को भोग रही है, वैसा मैं जानती हूं। मेरी माता मुझे बचपन में ही छोड़ करके स्वर्ग को चली गई है। इस प्रकार शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित होकर के वह थपेड़े खाती रही। उधर मेधावी ऋषिराज पृथ्वी पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर जैसा वर उनके लिए चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा था। इस मनोरथ को पूरा नहीं होने के कारण वह बड़े निराश हो रहे थे। देव योग से उनको महादारुण तीव्र ज्वर आ गया, बहुत तेज उनको बीमारी या बुखार आ गया। तब ऋषि राज का शरीर ज्वर के दुख की तीव्र ज्वाला से फटने लगा और जोर जोर से श्वास ऊपर नीचे वह लेने लगे। अचेतन अवस्था में जैसे कोई मदिरा पी करके लड़खड़ाते हुए गिरता पड़ता है, उसी प्रकार घर में आकर के जमीन पर गिर पड़े और पुत्री को पुकारने लगे, पुत्री को स्मरण करने लगे। पुत्री भय से व्याकुल हो गई। जैसे ही पिता के पास आई, तब तक वे मरणासन्न को प्राप्त हो गए। देवयोग से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना की थी वह नष्ट हो गई और पहले किए हुए गृहस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासनाओं को छोड़ करके उन्होंने भगवान में मन लगाया और वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले त्रिभंगी मनोहर आकृति वाले भगवान का स्मरण करने लगे। हे राशेश्वर, हे राधा रमन, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल के पान करने वाले, हे गोप कुमारियों के वस्त्र को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि, हे दामोदर, हे मुरारे, हे राधेश, हे दीनानाथ, मेरा बारंबार आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है, मैं भाव सागर में डूब रहा हूं, मेरी रक्षा करो। मुनि के ऐसे वचन को सुन करके गोलोक से भगवान के दूत शीघ्र ही वहां पर आ पहुंचे और मरे हुए मुनि का हाथ पकड़ करके भगवान के चरण कमलों में उनको ले गए। इधर वह ऋषि पुत्री अपने पिता के प्राणों को निकलता देख करके हाय हाय करके जोर जोर से रोने लगी और पिता के मृतक शरीर को, मृतक देह को गोदी में लेकर के दुख से विलाप करने लगी। महादुखित होकर के दारुण रुदन करके कुररी पक्षी की भांति विलाप करने लगी और वह अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, मानो वह समझ रही है कि उसके पिता जीवित हो गए हैं
और वह पिता मरे हुए पिता से कहती है कि हाय पिता, हे पिताजी, हे कृपा सिंधु, अपनी पुत्री को आनंद देने वाले आप भी मुझे अकेली छोड़ करके गोलोक धाम को चले गए हैं। हे तात, बिना पिता के अब मुझे कौन रखेगा? न मेरा भाई है, न मेरा कुटुंबी है, न मेरी माता है। इस संसार में कौन मुझे भोजन देगा, कौन वस्त्र देगा? इस प्रकार की वह चिंता करने लगी। हे पिताजी, अब मुझे वेदक ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ेगी। इस तुम्हारे सूने आश्रम में, सूने घर में मैं कैसे निवास करती हूँ? इससे मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इससे मुझे जीवित रहने से क्या लाभ है, क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। इस संसार में मुझे प्यार देने वाला पिता नहीं है। बिना विवाह कार्य संपन्न किए आप कहाँ चले गए हैं? हे तात, हे तपोनिधे, अब लौट करके आइए और अमृत के समान मीठी वाणी से मुझे पुकारिए। आप चुप क्यों हो गए हैं? उठिए, उठिए, अब सोए हुए बहुत देर हो गई है। इस प्रकार अश्रुधारा बहाते हुए वह अनेक प्रकार से विलाप करती रही। जोर जोर से रोने की आवाज को सुन करके वहां वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोधन में आज अत्यंत करुण भरे स्वर में कौन विलाप कर रहा है, कौन रो रहा है, कौन बिलप बिलप करके अपने पिता को पुकार रहा है? और निश्चय करके हाहाकार मचाते हुए वहां पर आ पहुंचे और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देख करके वे सब मुनि भी रुदन करने लगे, रोने लगे, दुख मनाने लगे। फिर पुत्री की गोद से शव को उठा करके शमशान में शिवालय के निकट ले जाकर के चिता बना करके अंत्येष्टि विधि से दाह संस्कार उनका संपन्न करने की क्रिया जो है करने लगे। और विधिवत उनका दाह संस्कार उन मुनियों के द्वारा किया गया तथा उसकी पश्चात कन्या को अनेक प्रकार से समझा करके वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण करके पिता की संपूर्ण क्रिया का यथाशक्ति धन खर्च करके उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। यह श्राद्ध विधि आदि वह तपोवन में रहकर करने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गाय आंसू बहाते हुए खाना पीना छोड़ करके बिलखती देती, उसी प्रकार वह पुत्री भी निरंतर पिता के मृत्यु हो जाने पर अनेक कष्टों को भोगती रही, बिलखती रही, आंसू बहाती रही, खाना पीना छोड़ करके और पूरी तरह से दुखित रहने लगी, बिलखने लगी। इस प्रकार अष्टम अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बृहन्नारदी पुराणे अष्टम अध्याय भगवान श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने अधिक मास की यह ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है। यदि आप कथा सुनने के निमित्त या गौ दान के निमित्त, वस्त्र दान के निमित्त या अन्य जो अधिक मास की वस्तुएं प्रतिदिन दान की जाती है उसके निमित्त धन राशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए पेटीएम, गूगल पे, फोन पे की व्यवस्था कर रखी है या अकाउंट में सीधे सीधे भी आप धन राशि हमें प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।